नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 जुलाई मंगलवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर सेल टैक्स विभाग का एक अधिकारी और रिश्वत लेते हुए एसीबी के धक्के चढ़ गया। यह अधिकारी जिले के रायसिया नगर वर्त के सहायक आयुक्त धनराज पुत्र मसूदी राम है। इसके द्वारा परिवादी पदमपुर निवासी मुरलीधर से उसकी आटा चक्की पर व स्पेलर पर कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10,000 रुपए की मांग की गई थी। 5,000 रुपए पहले दे दिए गए, उसके बाद आज 5,000 रुपए लेना तय हुआ। रायसिया नगर स्थित कार्यालय में ही आरोपी ने जैसे ही परिवादी से 5,000 रुपए लिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने इशारा मिलते ही सहायक आयुक्त को दबोच लिया और उससे 5,000 रुपए की रिश्वत की राशि बरामद हुई। वहीं हाथों पर लगा नोटों का रंग भी उतर आया। गौरतलब है कि पिछले दिनों सेल टैक्स विभाग के ही ACTO और JCTO को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लपेटा था। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। आज तकरीबन सुबह 10 बजे यह कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई, जिसमें माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर कोई नया प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है, जो राजभवन भेजा जाएगा। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए भी कुछ निर्णय मंत्रिमंडल की ओर से लिए जा सकते हैं। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में रंजिश को लेकर घर के बाहर सोए एक युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। परिजन घायल को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल में लेकर आए, वहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे श्री गंगानगर रेफर कर दिया। श्री गंगानगर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पर अनूपगढ़ पुलिस सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृतलाल जिनगर मौके पर पहुंचे। ASP ने बताया कि अनूपगढ़ के पास सोलाए गांव में सुभाष और नामक युवक की हत्या कर दी गई है। वह रात को अपने घर के बाहर सोया हुआ था, उसी दौरान गांव के ही 2 से 3 युवकों ने मिलकर उस पर लाठियों से हमला कर दिया और हमलावर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि एक लड़की को लेकर दो पक्षों में काफी समय से रंजिश चली आ रही है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाना इलाके के सेक्टर नंबर 2 में रहने वाली एक महिला ने घर में साड़ी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रारंभिक जांच में संभवतः पारिवारिक विवाद से यह कदम उठाना सामने आया। मृतका के पिता ने पति व ससुराल वालों के खिलाफ बेटी को परेशान व प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। पुलिस ने बताया कि मीनाक्षी पत्नी महेंद्र मेवाड़ा ने घर में फांसी लगा ली। उसका पति 2 दिन से बाहर है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कमलेश कुमार निवासी शेरपुरा कि माइनर नहर में डूबने से मौत हो गई। मृतक के पिता आबूराम ने बताया कि उसका पुत्र कमलेश नहर में 5K के पास नहाने गया था। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले पर आज मंगलवार के दिन बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि CM बनने के बाद गहलोत ने बदनीयती से हमारे सभी 6 विधायकों को गैर कानूनी तरीके से खुद की पार्टी में शामिल किया। मायावती ने कहा कि पिछले कार्यकाल में भी गहलोत ने ऐसे ही किया था, जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बार बार BSP को धोखा दिया, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचे या नहीं, इसका पूरा दोष गहलोत का ही होगा। नेशनल हाईवे पर आज सुबह बेसहारा पशु के कारण एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। महाजन पुलिस ने बताया कि नेठाना गांव निवासी 35 वर्षीय मदनलाल बाइक लेकर अपने गांव से महाजन की ओर जा रहा था। गांव से निकलते ही उसकी बाइक के आगे एक बेसहारा पशु आ गया। उसे बचाने के चक्कर में उसका भाई पशु से टकरा गया। टक्कर लगते ही मदनलाल बाइक सहित सड़क पर गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बीकानेर की नया शहर थाना पुलिस 65 लाख रुपए के जेवरात हड़पने के मामले में अभियुक्त को दिल्ली से पकड़कर बीकानेर लाई है। पारिक चौक निवासी दिलीप सोनी ने 5 फरवरी 2019 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि दिल्ली का व्यापारी मोहम्मद राशिद बीकानेर आया और उसके फार्म से लाखों रुपए के जेवरात का लेन देन किया। राशिद ने विश्वासता जीता और 2-3 बार में 65,55,000 रुपए के जड़ाऊ कुंदन पोलकी आदि जेवरात लिए और बदले में कच्ची रसीद दी। बाद में वह रुपए देने में टालमटोल करने लगा और धमकाने लगा। पुलिस ने इस मामले में जांच की और राशिद को गिरफ्तार कर लिया।
हनुमानगढ़ मार्ग स्थित बारामासी नहर में डूबे युवक का शव आज सुबह मिल गया है। पुलिस ने बताया कि एसएसबी रोड बारामासी नहर के पुल पर कल शाम को नाथामाली निवासी पवन कुमार और उसका दोस्त सोनू रामगढ़िया बैठे थे। अचानक दोनों नहर में गिर गए। पुल पर खड़े लोगों ने सोनू को तुरंत ही बाहर निकाल लिया था, जबकि नहर में पानी का बहाव होने के कारण पवन कुमार को बचाया नहीं जा सका और वह पानी के साथ बह गया था। अजमेर के बयावर कस्बे में सदर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा बावड़ी शामगढ़ में बच्चे बकरियां चराने गए। इस दौरान मिट्टी के टीले पर खेलते समय बच्चे मिट्टी को रेंद रहे थे। अचानक मिट्टी के ढहने से 5 बच्चे इसमें दब गए। इससे 2 बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि देवरा बावड़ी शामगढ़ में 6 वर्षीय राहुल नाथ और 12 वर्षीय शैतान नाथ की मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर महिला थाना के एक हवलदार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाना प्रभारी सहित 10 पुलिस कर्मियों की सैंपलिंग की गई है। वहीं थाना को कल शाम और आज सुबह सैनिटाइज किया गया है। हवलदार पॉजिटिव पाए जाने के बाद थाना में आने वालों की ही सैनिटाइजर करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली के पास नहर में डूबे युवक का शव आज सुबह मिल गया है। इसकी सूचना मिलने पर जवाहर नगर और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। यह युवक अपने घर से 2-3 दिनों से लापता था। जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि कालूवाला गांव के पास बारामासी नहर में एक युवक का शव मिला है। इसकी पहचान रोहित कुमार निवासी सेतिया फार्म के रूप में हुई है। श्रीगंगानगर जिले के करनपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक व्यक्ति वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस पहुंचे इससे पहले ही ग्रामीणों ने समझाइश कर किसानों को नीचे उतार लिया। पुलिस ने बताया कि नग्गी के पास से अंतिम छोर के टेलों पर पानी कम पहुँच रहा है। पूरा पानी की मांग को लेकर किसान 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरने के पास ही वाटर वर्क्स की टंकी में आज सुबह पृथ्वीराज नामक किसान टंकी पर चढ़ गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।